नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। भारत में हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में आती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। पंच केदार का मतलब है भगवान शिव के उन पांच मंदिरों से, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर का नाम शामिल है। भोलेनाथ को समर्पित ये पवित्र जगह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इन पांच मंदिरों को महाभारत से जोड़ा जाता है। जब पांडव लंबे समय से एक जगह से दूसरी जगह भगवान शिव की खोज कर रहे थे, तब उन्हें महादेव पांच अलग अलग हिस्सों में दिखाई दिए थे। पांडव ने शिव को मनाने और उनकी पूजा करने के लिए इन पांच मंदिरों, पंच केदारों का निर्माण किया था। तो चलिए आज आपको उन पांचों मंदिरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ मंदिर का। हिंदुओं के लिए सबसे अधिक देखे जाने वाले और पूजनीय मंदिरों में से एक है केदारनाथ। पंच केदार मंदिरों में आता है। भगवान शिव का ये मंदिर हिमालय में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि इसे पांडव भाइयों द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि केदारनाथ वो जगह है जहाँ भगवान शिव का कुवड़ प्रकट हुआ था। यह पहाड़ी शहर ऋषिकेश से सिर्फ 223 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे विश्व की योग राजधानी माना गया है। पांडव द्वारा स्थापित इस मंदिर को 8वीं और 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा फिर से बनाया गया था। तुंगनाथ मंदिर। तुंगत दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है, साथ ही पंच केदारों में सबसे ऊंचा है। यही नहीं, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां बैल के रूप में भगवान शिव के हाथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद पांडव ने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि राम ने चंद्रशिला शिखर पर ध्यान किया था, जो तुंगनाथ के करीब स्थित है। ट्रेकर्स और तीर्थयात्री आमतौर पर एक ही बार में दोनों स्थलों को कवर कर लेते हैं। रुद्रनाथ मंदिर। केदारनाथ और तुंगनाथ के बाद रुद्रनाथ को पंच केदार का तीसरा मंदिर है। ये खूबसूरत रेड रोड रॉइन के जंगलों में घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में रक्षा वन देवी वन देवी करती है, इसलिए यहाँ सबसे पहले उन्हीं की पूजा करती हैं। ऐसा माना गया है कि ये वो जगह है जहाँ पांडव को बैल के रूप में शिव का चेहरा दिखाई दिया था। 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिरों में शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में की जाती है। मंदिरों में आप नंदा देवी, नाड़ाघुटी और त्रिशूल चोटियों के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। ट्रेक सागर नाम से एक गांव शुरू होता है, जो गोपेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये काफ़ी कठिन है। शिव के भक्त हर साल यहां जरूर आते हैं। मध्य महेश्वर मंदिर। मध्य महेश्वर उत्तराखंड के गढ़वाल के हिमालय में 3497 मीटर की ऊंचाई पर गोंडर नामक गाँव में स्थित है। यहीं पर शिव के मध्य भाग यानी कि नाभि भाग की पूजा की जाती है। मंदिर केदारनाथ, चौखंबा और नीलकंठ के शानदार नज़ारों से घिरा हुआ है। उखी मठ के लगभग 18 किलोमीटर ट्रेकिंग करके आप आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह के में नाभि के आकार का शिवलिंग है। कल्पेश्वर। माना जाता है कि कल्पेश्वर वह जगह है जहाँ भगवान शिव का शिर और जटाई दिखाई दी है। ये उर्गम घाटी में हिमालय 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ का नज़ारा देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। अगर आप पंच केदार की यात्रा पर निकले हैं तो ये मंदिर दर्शन करने के क्रम में सबसे आखिर में आता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जहाँ पूरे साल जाया जा सकता है, क्योंकि पंच केदार के अन्य चार मंदिर बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद रहते हैं।